गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम लेसन टू की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3, द ग्रेट बनियन, है ना। द ग्रेट बनियन दैट मीन्स, बनियन दैट मीन्स होता है बरगद का पेड़, है ना। बरगद के पेड़ को बोलते हैं बनियन ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू, है ना। आपको ऐसे कुछ ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, और आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पसंद है। ओके, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जस्ट एन ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली, है ना। बोला है उन्होंने कि जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, जैसे कि जो जितने बुजुर्ग पर्सन होते हैं ना, वो उतने ही जेंटल होते हैं, ठीक है। सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली, है ना। तो वैसे ही जो बिग ट्रीज होते हैं वो भी मोस्ट फ्रेंडली होते हैं, है ना। द बैनियन इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल अवर ट्रीज। जो बैनियन ट्री है ना, जो बरगद का पेड़ होता है, वो क्या होता है, बहुत बिगेस्ट होता है ना, बहुत बड़ा होता है और बहुत ही फ्रेंडलीस्ट होता है। सो तो एक जो पेड़ है ना, वो फ्रेंडली कैसे हो सकता है। ओके, तो हम आगे रीड करते हैं। वी डू नॉट सी मैनी बैनियन ट्रीज इन अवर सिटी नावर डेज, है ना। हम हमारे जो सिटीज़, जिन भी सिटीज़ में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आज के दिनों में नावर डेज बैनियन ट्रीज देखने को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। दीज ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्स आउट, है ना। जो ये पेड़ है, ठीक है, जो ये पेड़ होते हैं, बनियन ट्रीज होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको स्पेस चाहिए होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है इनके लिए। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज वेयर देयर इज बेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियन ट्री, है ना। बट अभी जैसे कि बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटी, है ना, ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सिटी हो गई है, ठीक है, ओवर क्राउडेड हो गई है ना। वहाँ पर आजकल लोगों को रहने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बैनियन ट्री, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है ना, कि बैनियन ट्री को फाइंड करना ऐसी सिटीज़ में। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बैनियन ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3-स्टोरेड बिल्डिंग। जो एक बैनियन ट्री होता है ना, उसको एटलीस्ट 3-स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब जो 3 मंजिल मकान होता है ना, एटलीस्ट उसको उतनी जगह, उतना स्पेस उसको चाहिए ही होता है ना। ऑफ कोर्स स्पेशियस पार्क्स हैव बैनियन ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज एटलीस्ट वन, है ना। और सिटीज़ में आप तो देख सकते हैं, या तो फिर पार्क वगैरह में अगर कहीं ऐसे बैनियन ट्रीज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि जहाँ पर बनियन ट्रीज होता है, वहाँ पर स्पेस होती है, तो वो एक पार्क बना देते हैं ना उसके आसपास, तो पार्क के अंदर बनियन ट्री देखने को मिल सकता है। ओके, एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन, और विलेजेस में भी देखने को आजकल बहुत कम मिल रहा है ना, तो कम से कम एक विलेज में, हर विलेज में एक आपको बनियन ट्री देखने को तो मिल ही जाएगा, है ना। द बनियन ट्री हैज़ व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स। जो बैनियन ट्री है उसे क्या बुला सकते हैं, एरियल रूट्स। दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन। देयरफॉर आफ्टर सम इयर्स द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ओन विच इज टू बिग टू बी सीन एट वंस, है ना। उन्होंने बोला है कि जो बैनियन ट्रीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा अगर बैनियन ट्रीज, आई होप कि आप सभी बच्चों ने देखा होगा, है ना। तो बनियन ट्रीज की क्या होती है, ऐसी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, वो ऐसी ब्रांचेस लटकती रहती है ना। अब बनियन ट्री को दूर से ही देख कर के पहचान सकते हैं, है ना, इसको पहचानना बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे अगर जो उसमें से ब्रांचेस निकलती है ना, वो क्या करती है, जो धीरे 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 कुछ टाइम, कुछ सालों में क्या होती है, बढ़ने लग जाती है ना। तो वो जब बढ़ने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे कहाँ पर जाती है, ज़मीन के अंदर। तो इससे क्या होता है, वो जो ट्री होता है उसको सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है,
और वो जब रूट्स अंदर जाती है ना, तो वहाँ से क्या आने लग जाता है, एक और स्टम निकलने लग जाता है। मतलब वो पेड़ जो है वो खुद ही है ना दूसरे और बनियन ट्रीज को बना सकता है ना। जो उसकी रूट्स रहती है वो ज़मीन में जाती है, फिर वहाँ से एक और स्टम निकलता है, ठीक है, फिर वहाँ से एक और बनियन ट्रीज निकल सकता है। तो अगर इन जो बनियन ट्रीज होते हैं ना, इनको अगर छेड़ा ना जाए, ठीक है, कुछ भी इनमें छेड़छाड़ नहीं की जाए ना, तो ये क्या कर सकते हैं, एक बनियन ट्रीज का अपने आप में ये एक फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। एक बनियन ट्री भी ये कर सकता है ना, एक बनियन ट्री कई बनियन ट्रीज का फॉरेस्ट तैयार कर सकता है, ठीक है, अगर इनसे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें। ओके, सो अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है।